शांति बनाए रखिए। सदन में जब प्रश्न चलता है और आपस में बातचीत, ये उचित नहीं है। बुलक की क्या सरकार को यह बदलने का अधिकार है? माननीय उच्च न्यायालय का जो एकल पीठ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक नहीं हुआ है। तो एकल पीठ है जो निर्णय लेने का अधिकार होता तब तो हम बदल चुके होते। हमें अधिकार नहीं है, इसीलिए तो हम कोर्ट से इजाजत मांग रहे हैं। चंद्रशेखर, महोदय सरकार ने जवाब दिया है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर 27/03/17 एवं 23/07/17 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ, उपाध्याय साहब की एकल पीठ ने जो न्याय निर्णय दिया कि ऐसे कर्मियों, विश्वविद्यालय कर्मियों एवं शिक्षकों का वेतन सहित सारा सुविधा देय है, एब्जॉर्प्शन का अधिकार सिर्फ विश्वविद्यालय को है और सरकार गई है। शांति बनाए रखिए। सदन में जब प्रश्न चलता है और आपस में बातचीत, ये उचित नहीं है। सरकार इस न्याय निर्णय के खिलाफ एलपीए में गई है, डबल बेंच में। डबल बेंच का न्याय निर्णय अभी आया नहीं है। क्या सरकार को एलपीए के न्याय निर्णय आने से पहले माननीय एकल पीठ जो उच्च न्यायालय का है उसके न्याय निर्णय को बदलकर पत्र जो निर्गत किया है महोदय, उसको वापस करना चाहती है? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, हमने तो जवाब में सारी बातें कही हैं, लेकिन माननीय सदस्य ने सिर्फ उसके एक अंश का हवाला दिया। उसके पहले महोदय जवाब में स्पष्ट है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने एक एसवी सिन्हा कमीशन बनाया जो डायरेक्ट उनके निर्देश पर बना था। उसने सारे मामले की जांच की। उसने जितने इस तरह के कर्मी थे उसकी तीन श्रेणियां बना दी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरक कि क्या सरकार को यह बदलने का अधिकार है? माननीय उच्च न्यायालय का जो एकल पीठ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक नहीं हुआ है। तो एकल पीठ है जो अगर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होता तब तो हम बदल चुके होते। हमें अधिकार नहीं है, इसीलिए तो हम कोर्ट से इजाजत मांग रहे हैं। हमने कहां बदला है? और महोदय दूसरी बात है कि माननीय सदस्य और सदन को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके तीन श्रेणी बना दी कि एक अलाउड है, एक रेफर्ड है। आप इस बात को क्यों छिपाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महोदय इन मामलों को डिसमिस्ड श्रेणी में रखा है, इनको उपयुक्त नहीं माना है जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि आपको अगर दूसरा रिलीफ चाहिए तो आप हाईकोर्ट चले जाइए। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, हम एलपीए में गए हैं। एलपीए में जाने का हर समय हर नागरिक को भी अधिकार है और सरकार को भी अधिकार है। ठीक एक हमारा एक पूरक हुआ है, दूसरा हमारा ये कहना है हो गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों का हम डिटेल नहीं जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, समय के अभाव में मैं माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर छोड़ता हूँ, संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर। माननीय उच्च न्यायालय ने महोदय न्याय निर्णय दिया, उस न्याय निर्णय के खिलाफ महोदय पूरा प्यार है, उस न्याय निर्णय के खिलाफ सरकार एलपीए में गई। क्या सरकार को अधिकार है एलपीए के आदेश आने से पहले बीच में सरकार ने जो पत्र निकाला है दे चुके हैं मोदे मोदे, बीच में सरकार ने जो पत्र निकाला है वह अवैध है? उस वह पत्र को वापस लेना चाहती है? उस पत्र को वापस लेना चाहती है सरकार? क्यों न्याय निर्णय बदलने का अधिकार है सरकार को? माननीय सदस्य आधी बात को मरोड़ देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कभी नहीं कहा है कि हम इस मामले को नहीं देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामले को डिसमिस्ड श्रेणी में रखा है, फिर ये लोग उसके खिलाफ गए। आपने श्री संतोष कुमार मिश्र, चलिए अब उनका अब लास्ट है बोलने पूछ दीजिए। महोदय उनका होना दीजिए। मैं तीन पूरक हो गया बात, अब बैठिए माननीय।